गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ओके, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3. एंड टुडे आवर टॉपिक इज शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम. What is market equilibrium price and what is equilibrium quantity? How to measure the, how to determine the market equilibrium, equilibrium in the market, in the perfect competition market. Okay, so we studied about the determination of market equilibrium under perfect competition. Then we studied about the excess supply एंड एक्सेस डिमांड. ओके, ये दोनों कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं. और कैसे जब एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में कैसे हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचते हैं, अपने मार्केट इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं, वो हमने सब स्टडी कर लिया है. देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द 3 बेसिक अजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द शिफ्ट इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने क्या के दो चीजें स्टडी की, इन द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड इन द केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. जब डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड डिक्रीज होती है, तब हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कैसे अचीव करते हैं, कैसे उसके ऊपर पहुंचते हैं, वो हमने स्टडी किया था. हमने देखा था हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, एंड देन हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट. Okay, then we studied about the some exceptional cases. Okay, shift in demand and equilibrium price, some exceptional situations. So इसमें हमने देखा था कि when supply curve is perfectly elastic and when supply curve is perfectly inelastic. Okay, then हमने study किया था कि जब demand में change होता है उस सिचुएशन के अंदर, जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब आपकी सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है, जब सप्लाई कर्व आपका परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, तब आपका डिमांड में चेंज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, सो व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक और देन व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सो व्हाई प्राइस रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट. हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग से प्राइस हमारे कांस्टेंट क्यों रहते हैं, प्राइस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, वो हमने स्टडी किया. देन सेकंड केस, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, और उसमें उस सिचुएशन में हमने क्या स्टडी किया था कि व्हाई क्वांटिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट. ओके, कि जब आपके पास सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, तो डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से आपकी जो क्वांटिटी है वो अनइफेक्टेड क्यों होती है, क्यों उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी हमने स्टडी किया था. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द शिफ्ट इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम. आज जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा क्या है, अभी तक हमने डिमांड में चेंज का देखा है ना, कि डिमांड में चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है. अब हम देखेंगे कि जब हमारे सप्लाई में चेंज आता है, यानी जब हमारी सप्लाई कब शिफ्ट होता है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम पर हम आएंगे. सो लाइक डिमांड शिफ्ट इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई हैज टू एस्पेक्ट, जैसे कि हमारे डिमांड में दो एस्पेक्ट थे, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, सेम वैसे ही लाइकवाइज सप्लाई भी जब चेंज होती है, तो इसके भी टू एस्पेक्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड सेकेंड इज डिक्रीज इन सप्लाई. सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, जब हमारे पास सप्लाई इंक्रीज होती है, तो उस केस में हमारा सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट वर्ड. And in case of decrease in supply, that supply curve shift to the left. So, ये left में shift होता है जब supply decrease होती है. So, the effect of increase and decrease in supply on equilibrium price is explained with the figures. तो हम इन figures से, इन diagram से हम लोग अभी से study करेंगे. देखें, increase in supply में हम लोग इसको study करते हैं. देखिए, increase in supply. So, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस figure के अंदर ये आपका demand curve है. Okay? तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है. ये आपका पहला जो है वो आपका ये सप्लाई कर्व है. ओके, इस सप्लाई कर्व के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है.
ये ई जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर दोनों जो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ओपी ओपी है, ठीक है, ये ओपी है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या है, ओक्यू है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब आपका जो सप्लाई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सप्लाई में इंक्रीजिंग हो गई, तो सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या हुआ, आपका सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, वो S1 पर चला गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ये जो पिक्चर है ये आपको क्या शो कर रही है कि दिस फिगर शोज दैट व्हाइल डिमांड रिमेन्स अनचेंज, डिमांड आपकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड में कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम S2 S1, S1 पर शिफ्ट हो गई है सप्लाई। ओके, एंड द न्यू सप्लाई कर्व S1, नया सप्लाई कर्व आपका S1 है, एंड इंटरसेक्ट द डिमांड कर्व एट पॉइंट E1, E1 पर, अब ये पॉइंट E1 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या चीज, नया सप्लाई कर्व हमारे डिमांड कर्व को। ओके, सो एट E1 पॉइंट E1 इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम E1 है, यहाँ पर प्राइस हो गए OP1, जो कि क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, गिर रहे हैं, पहले OP थे अब OP1 हो गए हैं। सो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम OP2 OP1, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, देखिए पहले यहाँ पर OQ थी, अब यहाँ पर इंक्रीज होकर OQ1 हो गई है, सो द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ2 OQ1। सो अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, कि आप जब आपका सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो आप न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कैसे आएगा आपका, ठीक है, वो हमने यहाँ पर स्टडी करना है। अब देखिए यहाँ पर सेम वही कि पहले हम इस पे ओल्ड वाला देखेंगे, ये हमारा ओल्ड जो पुराना जो है आपका, ये डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। अब ई से क्या हुआ, सप्लाई कर्व आपकी इंक्रीज होगी, सप्लाई तो सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ आ गया, तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, देखिए डिमांड आपकी कम है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, यानी ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन हो गई आपकी एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो जब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि अब मार्केट के अंदर अब सप्लाई जो है ना, एक्सेस सप्लाई की वजह से सप्लाई का जो डिमांड है वो आपके कम है और सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई का प्रेशर ज्यादा है, तो सप्लाई एक्सेस में होने से क्या होगा, डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में सप्लायर क्या करेगा, अपने प्राइजेस को, अपने गुड्स के प्राइजेस को कम करेगा, तो वो डिक्रीज करता है प्राइस। जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो प्राइस डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अब यू नो दैट कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, एंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, दोनों के भी सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो जब एक्सेस सप्लाई की वजह से प्रोड्यूसर ने क्या करा, अपनी कमोडिटी के प्राइसेस को डिक्रीज किया, तो प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, डिमांड एक्सटेंड होगी, ओके, और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आप ये देखिए कि आपका जो ये है, ये डिमांड कर्व है आपका, तो ये वाला, तो इस ये हम देखो, ये आपका डिमांड कर्व है ये वाला, ठीक है। सो इस डिमांड कर्व के ऊपर अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था पहला, अब क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गए एक्सेस सप्लाई की वजह से, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, नीचे की तरफ आएगा डिमांड कर्व, प्राइस के कम होने से डिमांड एक्सटेंड होगी, और जब एक्सटेंड कब होती है, आपने देखा था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में, आपने ये देखा था कि जब नीचे की तरफ मूवमेंट होती है तो वो होती है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड एक्सटेंड होगी, तो यहाँ से ई से ही नीचे की तरफ एक्सटेंशन होगी, और सप्लाई कर्व हमारा कौन सा है, सप्लाई कर्व ये है हमारा, तो ये है ना यहाँ पर, तो ये आगे हो गया, तो यहाँ जब ये सप्लाई बढ़ा तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तो नीचे की तरफ मूवमेंट सप्लाई कर्व के ऊपर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई, तो ये हमारी क्या हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई का जो प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो एक दूसरे को एक नए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर लेते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर E1 पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, तो इस तरीके से आपका जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई तब तक चलेगी जब तक कि वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, क्लियर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई,
So at the old equilibrium point E, it implies a situation of excess supply. It means ki supply is greater than excess supply. Ka matlab kya hua? Supply is greater than demand. Supply zyada hai demand se. So supply is greater than demand. So this will cause a fall in price. So consequently, demand will expand and supply will contract. And this process, the constant process, extension of demand and contraction of supply would continue till such a price is reached where quantity demanded is equal to quantity supply. And this occurs at point E1. ये हमें कहाँ पर मिल रहा है? E point के ऊपर हो रहा है, जहाँ पर जो आपकी supply and demand है वो एक दूसरे को intersect कर रहे हैं. ये क्या होगा? The point of new equilibrium. यही हमारा new equilibrium का point होगा. Clear? Now the next is decrease in supply. So in this figure you can see that this figure shows that while demand remains unchanged, demand to dekhiye aapke unchanged hai, demand mein to koi effect nahi pad raha, demand to unchanged hai. Due to decrease in supply, the supply curve shift to the left from S to S2. S se S2 par pahunch gaya ye, theek hai. इसकी वजह से सप्लाई में डिक्रीजिंग की वजह से सप्लाई कर्व आपका एस से एस टू पर चला गया है, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है, लेफ्ट शिफ्ट हो गया. क्लियर? सो द न्यू सप्लाई कर्व एस टू इंटरसेक्ट द डिमांड कर्व एट पॉइंट ई टू के ऊपर पॉइंट पर काट रहा है ये. सो विच इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट? सो एट पॉइंट ई टू द इक्विलिब्रियम प्राइस increases from, देखिए पहले वाले जो पहला न्यू पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था उसके ऊपर प्राइस थे ओपी, लेकिन अब क्या हो गए हैं, जैसे ही न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई टू आया वहां पर प्राइसेस राइज होकर इंक्रीज होकर ओपी टू पर पहुंच गए हैं. ओके, सो एट पॉइंट ई टू द इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू. ओके, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करें तो जो ओल्ड वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था ई, उसके ऊपर क्वांटिटी थी ओ क्यू. अब कितनी रह गई? जब हमारे पास क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज हो गई तो नई क्वांटिटी आ गई ओ क्यू टू, यानी कि इट मींस द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू टू. ओके, ओ क्यू से ओ क्यू टू पर पहुंच जाएगा. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इज न्यू इक्विलिब्रियम स्ट्रक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट? कि कैसे न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो स्ट्रक होगा, कैसे आपको मिलेगा जब सप्लाई कर्व आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाता है? तो आप यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर आपके पास आपने लेना वही है, कौन सा? ओल्ड वाला सप्लाई एंड डिमांड कर्व. तो कि आपका जो ओल्ड वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था वही लेना है. तो हमने यहाँ पर लिया, देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं ये वाला पॉइंट ले रहे हैं. इसके ऊपर अब आपके पास जब सप्लाई डिक्रीज हुई तो ये पीछे की तरफ यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, यानी कि सप्लाई अब आपकी कम हो गई है और डिमांड आपकी क्या हो गई है, ज्यादा है. तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये डेफिशिट सप्लाई की या फिर आपके एक्सेस डिमांड की. सो यहाँ पर डेफिशिट हो गए सप्लाई का, ठीक है. डेफिशिट सप्लाई का मतलब आप सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई अब डिमांड से कम हो गई है. तो अब क्या हो रहा है मार्केट में, डिमांड का प्रेशर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. तो सप्लायर क्या करेगा? आप सप्लायर को पता है कि उसकी कॉमोडिटी है, उसके मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम है, तो सप्लायर क्या करेगा, प्राइजेस को राइज कर देगा, ठीक है. जब प्राइस राइज होंगे सो हमें पता है कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड देर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. सो यहाँ पर जब आपके प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड. सो प्राइस राइज हो गए, प्राइस राइज होने की वजह से क्या हुआ, जब प्राइस राइज हो रहे हैं तो सप्लाई भी इसके साथ राइज होगी, यानी सप्लाई में एक्सटेंशन होगा. और डिमांड क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है तो प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं तो डिमांड नीचे आएगी, तो प्राइस क्या, डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, डाउन जाएगी, यानी कॉन्ट्रेक्शन होगी. तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपके पास ये डिमांड वाला कर्व है, ये वाला है ना, तो यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ हो रही है मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रेक्शन को दिखाएगी. तो डिमांड कर्व आपका क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व के ऊपर, यानी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड होगी. और यहाँ पर सप्लाई कर्व आया तो सप्लाई का ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व के ऊपर, तो ऊपर की तरफ मूवमेंट क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट क्या होती है, आपका
एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई तब तक होगा जब तक कि आप न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 को आप नहीं ले मान लेते। तो E2 पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे जहां पर आपके पास जो सप्लाई और डिमांड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सो व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इट इंप्लाइज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, सॉरी डेफिशिएंट सप्लाई और अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। सो दिस विल कॉज अ राइज इन प्राइस। So consequently, demand will contract and supply will extend. And this process, it consists process contraction of demand and extension of supply would continue till such a price is reached where quantity demanded is equal to quantity supplied. And this occurs at point E2, the point of new equilibrium. Okay, clear students? So now the next topic is. Yes, now the next topic is shift in supply and equilibrium price, some exceptional situation. ये जो हमने अपने जो हमने डिमांड वाले में भी किया था ना, सम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर, ऐसा ही सेम हम सप्लाई को में चेंज करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। तो वो एक्सेप्शनल केसेस क्या होंगे कि व्हेन आर डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक एंड व्हेन आर डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, सो लेट अस कंसीडर हाउ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई अफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस इन टू एक्सेप्शनल सिचुएशन। फर्स्ट इज व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी कंटिन्यू टू बी परफेक्टली इलास्टिक एंड व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी कंटिन्यूज टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो दोनों सिचुएशंस में हम देखेंगे कि जब सप्लाई चेंज होगी तो क्या होगा। तो फर्स्ट इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, जब आपका डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिमांड कर्व आपका कैसा होगा, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, यानी कि जहां पर आपके पास प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने से डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाते हैं तो वो सिचुएशन किसकी होगी, परफेक्टली इलास्टिक की। ओके, और वहां पर डिमांड कर्व कैसा होता है आपका, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डजंट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस इन केस ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक। ओके, तो ये समझने के लिए हम लोग अपने डायग्राम को देखते हैं। सो फर्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई in the yes so this figure shows that E as the point of equilibrium, ये आपका equilibrium का point है, a perfectly elastic demand curve intersects supply curve। यहाँ पर आपके पास ये जो perfectly elastic demand curve है आपका parallel to O x axis, ये आपके supply curve को E point पर intersect कर रहा है। okay, so यहाँ पर OP क्या है, OP आपके पास यहाँ पर equilibrium price है। Okay, OP is the equilibrium price. So up now, the increase in supply, due to increase in supply, supply curve shift forward, supply curve forward shift कर जाएगा. So forward shift in supply curve to the right from S to S1. Okay, S से S1 पर पहुंच गया and leaves price of commodity unaffected. जबकि आप देख रहे हो जब supply आपका shift हो रही है आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आप देखिए कि new equilibrium point E1 आया है आपके पास, लेकिन यहाँ पर price अभी भी आपके OP ही है, यानी कि price जो है वो आपके क्या है, unaffected है, उनके उस prices के ऊपर equilibrium price के ऊपर कोई effect नहीं पड़ रहा है। So it continues to be OP, however equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. Okay, likewise backward shift in supply curve, अगर इसी तरीके से same देखें कि अगर backward shift हो रहा है आपका supply curve में, okay, backward shift in supply curve to the left from S to S2, ठीक है, S से S2 पर पहुंच गया, so only causes a decrease in equilibrium quantity From OQ to OQ1, यहाँ पर भी आपके पास केवल क्या हो रहा है क्वांटिटी में, देखिए यहाँ इंक्रीज इन सप्लाई में भी आपकी क्वांटिटी क्या हो रही थी, सप्लाई के इंक्रीज होने से क्वांटिटी जो थी पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ थी, फिर क्या हुई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होकर OQ1 हो गई, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी। सेम ऐसा ही हो रहा है डिक्रीज इन सप्लाई में, जब डिक्रीज सप्लाई में डिक्रीजिंग आई तो आपके प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट क्वांटिटी आपकी पहले OQ थी अब कम होकर OQ2 पर पहुंच गई है।
सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ओनली कॉजेज द डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फ्रॉम ओक्यू टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड एट ओपी. क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब नेक्स्ट इज यस. सो यहाँ पर आप बात करेंगे, दो क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन दो आएंगे कि why price remains unaffected when demand curve is perfectly elastic and supply curve shift. कि आपका जो price है वो unaffected क्यों रहता है जब आपका demand curve है वो आपका perfectly elastic हो और जो supply curve है उसमें change आए, okay, वो shift हो जाए. So you know that perfectly elastic demand is a situation of infinite demand corresponding to a given price. कि आपके पास यहाँ पर जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को होती है वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपके पास गिवन प्राइसेस के ऊपर आपके डिमांड जो है उसमें इनफाइनाइट चेंजेस आ सकते हैं. सो इन सच अ सिचुएशन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. अब अगर इनफाइनाइट चेंज जो डिमांड में आ सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में, तो अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो जब डिमांड में आप इनफाइनाइट चेंज ला सकते हो, ठीक है, तो आपकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपके डिमांड पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग सॉरी आपके उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसको उसी तरीके से क्या करेगी, सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने से अगर आप प्राइसेस में चेंज कर देते हो तो वो आपका इनफाइनाइट चेंज ला देगी. सो यहाँ पर क्या होगा कि इन सच सिचुएशन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई डज नॉट कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन द प्राइस. प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डिमांड में इनफाइनाइट चेंज है, तो सप्लाई में चेंज आने से डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी. सो बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व विल नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन सप्लाई. इसी तरीके से जो सप्लाई कर्व अगर बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं तो उससे भी आपके प्राइस में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कुछ चेंज नहीं आ रहा है. बिकॉज कोरस्पोंडिंग टू इवन द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस डिमांड वुड टोटली डिसअपीयर. देखिए अब आपको मैंने बताया ना यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको इधर बनाया है तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये आपका डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर, ओपी प्राइस के ऊपर, ओके. अब अगर प्राइस को जरा सा भी ऊपर स्लाइटली सा भी चेंज लाए, जरा सा ये ऊपर चली जाए तो क्या होगा, डिमांड कर्व तो नीचे रह गया, डिमांड कर्व नीचे रह गया, यानी डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई, एकदम से जीरो हो गई. और जरा अगर थोड़ा सा भी कम कर दे प्राइस तो आप ये नहीं पता कि कितनी डिमांड हो जाए. सो इनफाइनाइट चेंज होते हैं डिमांड के अंदर, ओके. सो लाइकवाइज फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शुड नॉट कॉज एनी फॉल इन प्राइस बिकॉज इवन एट द एग्जिस्टिंग प्राइस डिमांड इज इनफाइनाइट, ओके. सो ये मेन रीजन है. अब सेकेंड जो है, सेकेंड आपके पास सिचुएशन आ जाएगी व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. जब आपके पास क्या होगा, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब आपके पास डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो. डिमांड कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपकी जो डिमांड जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी डिमांड उतनी होगी ही होगी, प्राइस चाहे आपकी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या उतने ही रहे, आपके डिमांड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पर आपका प्राइस लेते हैं, ओके. तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सो यहाँ पर आपके पास डिमांड कर कैसा होगा, ये पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ये यहाँ पर, ओके. ये डिमांड कर्व क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी डिमांड में डिमांड जो है ना आपकी फिक्स होती है परफेक्टली इनइलास्टिक में, यानी आपके प्राइस चाहे ओपी हो, ओपी वन हो, ओपी टू हो, ओपी थ्री हो, कुछ भी हो, आपकी क्वांटिटी आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो एज इट इज ओ क्यू ही रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा. सो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ओके. क्योंकि ये वो गुड्स होती हैं जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं, तो आपकी जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, तो आप चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आप इतनी गुड्स आप इस क्वांटिटी की डिमांड करोगे ही करोगे, ठीक है, इतनी ये करनी ही करनी है क्योंकि ये आपकी जो है नेसेसिटी है इतनी क्वांटिटी, ओके. सो इन सिचुएशन ऑफ परफेक्टली
In situation of perfectly inelastic demand or constant demand, increase or decrease in supply causes a full impact on price. Price पर तो effect पड़ रहा है, लेकिन आपकी जो equilibrium quantity है वो आपकी क्या रहेगी, constant रहेगी. Okay, so तो आपका जो demand है, it means कि because demand is constant, क्योंकि demand आपकी constant है. Okay, so you can see in this figure. So this figure shows that yes, कि E as the point of equilibrium, यहाँ पर देखिए demand curve आपका perfectly inelastic है, parallel to O y axis है. Okay, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो quantity demand होती है वो fix होती है, demand उतनी आप करोगे ही करोगे. Okay, so ये जो figure है ये क्या show कर रही है, E as the point of equilibrium, E आपका equilibrium point है, ठीक है, where supply curve intersect perfectly inelastic demand curve, जहाँ पर आपका supply का perfectly inelastic demand curve को intersect कर रहा है, and OP is the equilibrium price. Okay, now forward shift in supply का, जब आपका price जो supply curve जो है वो forward shift हो रहा है, ठीक है, forward shift का मतलब ये कि आपको यहाँ पर ना, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें लगता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसके डाउन है, ठीक है, कम हो रहा है, जबकि ये हमारा इंक्रीजिंग वाला है. देखिए कैसे, अगर हम ये बात करें, हमारा सप्लाई कर्व ये है वो अपवर्ड स्लोपिंग, अब सप्लाई कर्व अगर इंक्रीज होगा तो आगे की तरफ जाएगा ना फॉरवर्ड, तो ये वाली सिचुएशन है, आगे की तरफ जा रहा है. बैकवर्ड शिफ्ट होगा, अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, तो ये हमारी बैकवर्ड शिफ्टिंग वाली है. ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई के इंक्रीज होने से सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व फ्रॉम S2 टू S1 लीव्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अनइफेक्टेड. यहां हम देख रहे हो कि जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ओ तो वो अनइफेक्टेड है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी OQ. सो द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम E टू E1, सो इंडिकेटिंग डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम OP टू OP1. Okay, likewise, backward shift in supply curve. ये देखिए यहाँ पर backward shifting हो रही है supply curve. ये same वही equilibrium point यहाँ पर E है, inelastic demand curve के साथ supply curve जो है उसके ऊपर equilibrium point आपका E है. अब क्या हो रहा है आपका backward shift in supply curve S to S2, S से S2 पर चला गया. So only causes an increase in equilibrium price. यहाँ पर केवल क्या होगा, price आपके पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी थे, अब इंक्रीज होकर ओपी टू पर पहुंच गए, तो केवल आपके इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो राइज होंगे ओपी टू ओपी टू. तो वेयर एज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी की क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ओ क्यू, रिमेन्स अनचेंज्ड एट ओ क्यू. ओके, सो व्हाई क्वांटिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट. तो अब ये चीज आती है कि भाई जो हमारा जो क्वांटिटी है वो अनइफेक्टेड क्यों रहती है, जब डिमांड कर्व हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक और सप्लाई का शिफ्ट हो. सो इन सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ओके, आपका डिमांड जो होती, सॉरी, डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिमांड क्या होती है आपकी, कॉन्स्टेंट बनी रहती है, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज. ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके प्राइस कितनी है, ठीक है, ज्यादा है कम है, वो कोई मैटर नहीं करता, आपकी डिमांड जो है वहां पर कॉन्स्टेंट रहती है परफेक्टली इनइलास्टिक. सो अकॉर्डिंगली व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट और व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, डिमांड आपकी कॉन्स्टेंट ही बनी रहेगी, एंड राइज और फॉल इन प्राइस डज नॉट कॉज एनी कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. सो न्यू इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक corresponding to new equilibrium price OP1 and OP2, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर जो आपके पास फिगर दी हुई है उसमें देख रहे हैं कि जो 7B की फिगर जो आपके पास ये फिगर है, जहां पर आप देख रहे हैं ये वाली जो फिगर है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि इंक्रीज इन सप्लाई, ये वाली जो है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई जो है, ये दो इन दोनों के अंदर ये सिचुएशन देख रहे हो कि क्वांटिटी जो है, डिमांड आपकी फिक्स है, ठीक है, डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, केवल आपके किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज. ये देखिए इंक्रीज इन सप्लाई में आपके इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, और इक्विलिब्रियम और डिक्रीज इन सप्लाई में आपके इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, सो ये आपके पास टॉपिक था आज का, शिफ्ट इन सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. So in our next lecture, we will discuss about the simultaneously
shift in demand and supply and market equilibrium. And the last topic जो इस chapter का होगा वो होगा simple applications of tools of demand and supply का. Okay, so ये हम जो है अपने next lecture में discuss करेंगे. So that's all for today. Have a good day.